India has made its way into the top four countries globally in terms of GDP, crossing the 4 trillion mark. Well, this accomplishment highlights India's strong economic and emergence as a formidable global force and power. भारत की अर्थव्यवस्था यानी कि भारतीय जीडीपी इतिहास में पहली बार 4 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को छूकर उसके पार जा चुकी है और यकीन मानिए ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक गौरव का विषय है। इंडिया हमसे बहुत आगे है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी तौर पर और तालीमी मैदान में ना हमें बहुत पीछे छोड़ गया, तो उनके ना आलमी सतह पर ताल्लुकात भी है ना, उनकी फॉरेन पॉलिसी भी वो भी स्ट्रांग है हमारे से। हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो हमारे से आगे हर महाज पर आगे जा रहा है। मोदी सरकार को पिछले दिन उन्होंने तुम सुना था उसको द मोस्ट बिलव्ड पर्सनैलिटी डिक्लेयर। डेवलप ज़्यादा इंडिया हो चुका है वैसे के, क्योंकि उनके ना जैसे सब्जी वालों के पास तक वो पेटीएम के वो स्कैनर्स वगैरह होते हैं और पाकिस्तान में भी एटीएम मशीन्स का नहीं आया। इंडिया बिजली में इतना आगे क्यों चला गया? 2005 में जब मैं वहाँ पर गया मैंने देखा कि हर मामले में, इंग्लिश में भी, बच्चों की एजुकेशन के मामले में भी, उनकी ट्रांसपोर्ट दिल्ली में हमसे इतनी एडवांस थी कि उस टाइम वहाँ ट्रेन चल पड़ी थी, पाकिस्तान में उस टाइम कोई सोच भी नहीं सकता था। दोस्तों पहली बार हमारी जीडीपी 4 ट्रिलियन क्रॉस कर गई है और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, सच में बहुत गौरव की बात है। मोदी जी ने कमाल कर दिया है और दोस्तों आप देख रहे हैं जर्मनी और जापान हमसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इनको हम इसी साल क्लियर कर जाएंगे और हम तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आप देखिए कितना बड़ा कमाल है ये, आने वाले टाइम के अंदर दुनिया देख रही है, हैरान है कि हो क्या रहा है। मात्र 7 महीने में हम 3.7 से 4 ट्रिलियन में पहुंच गया दोस्तों। आप सोच लीजिए 300 बिलियन डॉलर का जो गैप है जापान और हमारे में, हम कितनी जल्दी उसको भी क्लियर कर जाएंगे। आप इसी से आइडिया लगा लीजिए हमारी ग्रोथ कितनी तेजी से बढ़ रही है। और अभी तो राम मंदिर भी बनना है दोस्तों, 22 तारीख का इंतजार है जनवरी का, आप देखिएगा यूपी के अंदर कितना तहलका मचेगा, अकेला यूपी ही ट्रिलियन पार कर जाएगा। दोस्तों पाकिस्तान और चीन हैरान है क्योंकि उनको ये उम्मीद ही नहीं थी कि भारत ऐसे कर लेगा और इतनी तेजी से आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इंडिया गए थे 2005 में, तो उस हवाले से आप अपना क्या एक्सपीरियंस शेयर करने चाहेंगे हमारे साथ? मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं आपके सवाल को ही आगे लेके जाता हूँ, जो आपने मुझसे सवाल किया कि इंडिया बिजली में इतना आगे क्यों चला गया। 2005 में जब मैं वहाँ पर गया मैंने देखा कि हर मामले में, इंग्लिश में भी, बच्चों की एजुकेशन के मामले में भी, उनकी ट्रांसपोर्ट दिल्ली में हमसे इतनी एडवांस थी कि उस टाइम वहाँ ट्रेन चल पड़ी थी, पाकिस्तान में उस टाइम कोई सोच भी नहीं सकता था। यहाँ 15-16 साल के बाद जनाब ये चीज़ आई है, तो ये बहुत चीज़ें हैं। लेकिन इसके अंदर जो मैंने सबसे बड़ी चीज़ देखी कि छोटे से छोटा बच्चा वहाँ इंग्लिश में बात कर रहा है, एजुकेशन जो थी ना वहाँ पर बहुत आगे थी। फिर उसके बाद ये देखें, हम जब वहाँ पर गए हमें ये पता था कि वो हिंदू जो है ना जलाते हैं अपनी डेड बॉडी को, लेकिन जब मैं वहाँ गया उनके दफ्तरों ने मुझे बताया कि टाइम की शॉर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक शमशान घाट वहाँ पर आ गए हैं, डेड बॉडी को रखे, इतने वाट की बिजली दी, उसके बाद जनाब बॉडी ख़त्म हो गई। तो ये एक बहुत बड़ी मेरे लिए चीज़ थी। और उसके बाद उन्होंने जनाब वो थोड़ी सी राख लेते हैं और बहा देते हैं। तो यही 2-4 पॉइंट है मेरे जहन के अंदर जो मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। ये है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों को अगर देखा जाए, दोनों में से कौन सी कंट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? ये इम्पार्शली देखा जाए ना तो इंडिया हमसे बहुत आगे है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी तौर पर और तालीमी मैदान में ना हमें बहुत पीछे छोड़ गया, तो उनके ना आलमी सतह पर ताल्लुकात भी है ना, उनकी फॉरेन पॉलिसी भी वो भी स्ट्रांग है हमारे से। हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो हमारे से आगे हर महाज पर आगे जा रहा है। मोदी सरकार को पिछले दिन उन्होंने तुम सुना था उसको द मोस्ट बिलव्ड पर्सनैलिटी डिक्लेयर किया, ऐसा ही है उसको मोस्ट बिलव्ड जो है ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड का अवार्ड दिया गया था। तो उसकी एक स्ट्रैटेजिक जरिए ना पॉइंट ऑफ व्यू उनकी फॉरेन पॉलिसी की मजबूती की वजह से ये अक्कासी करती है। हमारी फॉरेन पॉलिसी ना इमरान खान से जबकि टनियोर ख़त्म हुई ना उस वक्त से कोई नज़र नहीं आ रही है, हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र। ये बड़ी खुशाइन बात है कि हमारा नेबर इतनी अच्छी एक चीज़ कर रहा है, तो हमें बाकी जब हम उनकी इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री की हम नकल करते हैं जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर हम ये कोई चीज़ ऐसी चीज़ ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी का करेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट को भी फ़र्क पड़ेगा और हमारे लोगों की जो यहाँ पे एनर्जी की इश्यूज़ हैं वो भी ख़त्म हो सकते हैं।
उसकी हम अच्छे की कॉपी करें, अच्छी चीज़ों की कॉपी करें, रादर देन कि हम उनके जो फिल्में और ड्रामों की कॉपी करते हैं। जी, जैसे हम उनके कल्चर को अडॉप्ट किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कल्चर हमारा इंडिया की तरफ से है, तो हमें उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और इस तरह से उनकी अच्छी चीज़ों में हमें उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और उनको फॉलो भी करना चाहिए। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें उनकी कॉपी करनी चाहिए, ताकि हम लोग जो चीज़ भले हम लोग एक चीज़ टर्म यूज़ करते हैं कि हमारा अजली दुश्मन जो इंडिया है, हालांकि इस ट्रेंड को अब चेंज होना हो जाना चाहिए। कोई अजली दुश्मन नहीं है, क्योंकि हमने उसको दुश्मन को इतना पोर्ट्रेट कर कर के हम लोगों को जो उनकी अच्छी चीज़ है हम उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं। पाकिस्तानी जो कौम है ना, वो एक एक बंदा ही ठीक नहीं है, ठीक है। देखिए, अगर बेसिकली देखा जाए ना, हमारे एक बेसिक जो मतलब कि एक पुअर पर्सन भी आप कहते हैं तो वो भी नहीं ठीक है, ठीक है। खाली जो रिच पर्सन है उनकी तो बारी ही बाद में आती है ना, वो तो बहुत बड़े चोर हैं। हम सब छोटे चोर हैं, हम सब कोई भी बंदा एक मतलब कि मतलब बिल्कुल ठीक नहीं है, सब एक जैसे हैं, इसलिए फिर हमारी रिस्पेक्ट भी उतनी होती है। और जो हमारी हरकतें बाहर के ममालिक में जाकर हरकतें हैं, अब अगर हम सऊदीया में जाएंगे तो लाइन में लग के लंगर से खाना खाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बाहर के किसी भी मुल्क में जाएंगे ना तो हमारी मतलब कि ऐसे ही काम। तो हम जॉब्स के लिए फिर जॉब्स करते हैं, वहाँ पर जॉब्स में भी बेईमानी है, क्योंकि पाकिस्तानी और ऊपर से मुसलमान तो हैं ही ना, ऊपर से पाकिस्तानी इनका नाम ही समझ लें कि हम सब बेईमानी पे आए हुए हैं। पाकिस्तान का नाम जो आएगा, हमारे मतलब कि कंट्री के हालात है ना, वो सिर्फ ये नहीं कि हुक्मरानों ने ख़राब किए हैं, वो हमारी अपनी भी हरकतों पे है। व्हाट अबाउट इंडियंस? इंडियंस उनमें और हम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्यों? चाहे वो हिंदू है ना, लेकिन वो हमारे वाली हरकतें नहीं है उनकी। हिंदू है तो क्या हुआ, इंसान तो है, इंसान है, ठीक है। वो मतलब कि हम एक मुसलमान होने के अलावा भी उन्हें देखें ना, वो हमसे काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस में बेहतर हो चुके हैं। उनकी आप टेक्नोलॉजी देख लें, ठीक है, आईटी में उनका बड़ा अच्छा मतलब कि उन्होंने प्रोग्रेस की है, और बाकी हम सिर्फ उनसे जेलस हो सकते हैं, अदरवाइज हम कर कुछ नहीं सकते हैं। हम जेलस, वो एज ए पाकिस्तानी, पर मैं नहीं, ठीक है। लेकिन हमारी कौम नेचर है ना, नेचर है वो होना, लेकिन वो भी फजूल। मुझे बताया उनके क्या तौर तरीके हैं, वो क्यों इतना आगे निकल गए हैं, जबकि हमने भी एक अलग वतन तो इसलिए हासिल किया था ताकि हम तरक्की कर जाएं। पता क्या, हमारे अंदर जो है ना, हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल लीडरशिप देखी जाए ना, वही हमारी बहुत ज़्यादा वीक रही है, ठीक है। उसके अलावा हम मतलब कि लीडरशिप स्ट्रॉन्ग है, क्या ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत अच्छे हैं? हमसे बहुत बेहतर हैं हमारे लीडर जो है ना, लीडरशिप हमें नहीं मिली है प्रॉपर एक, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करते हैं, 10 साल का अरसा उन्होंने कंप्लीट किया है और उनके हर मुल्क के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ये देखें, 10 साल का अरसा कंप्लीट किया है, हमारे किसी ने एक भी 5 साल का नहीं किया होगा, ठीक है। और हम जो भी मतलब कि करते हैं ना, एक मतलब कि अगर कोई काम शुरू किया है किसी ने, उसको अगली हुकूमत कभी भी आगे से मतलब कंटिन्यू नहीं करती है, उसको वहीं पर उसमें मतलब कि खराबियाँ निकाल देंगे, उसको वहीं पर स्टॉप कर देते हैं। लेकिन आप बताएं कि उनकी वर्ल्ड इज्जत क्यों करता है? ये तो उन्होंने तरक्की कर ली है, इज्जत क्यों करता है? हमारा तो ग्रीन पासपोर्ट देखते हैं और चेकिंग पे उतराते हैं। ग्रीन पासपोर्ट, लेकिन हमारे अंदर ग्रीन वाली हरकतें नहीं है। मैंने कहा ना, हम छोटे से लेके बड़े तक बेईमानी पे हैं हम, और छोटे से बड़े मांगने पे भी लगे हुए हैं। ये बात कहना लड़की भूल गई। दोस्तों, ये हकीकत है, पाकिस्तान को आप जानते हैं, पाकिस्तान के दो ही काम है, एक तो बेईमानी करना और दूसरा मांगना। पाकिस्तानी यहाँ तो मांगते ही मांगते अपने देश में, दूसरे देशों में जाके भीख भी मांगते हैं, नाम बदलते हैं, हमारे इंडियंस का नाम रखते हैं, हिंदू बन जाते हैं, इंडियंस बन जाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी विदेशों में भारतीयों के नाम से बेचते हैं। ये इनकी हरकतें हैं दोस्तों। अब दुनिया समझ चुकी है कि इनके पल्ले कुछ है नहीं, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये भारतीयों के दम पे ही जिंदा है आज तक। जब पार्टीशन हुआ था तब भी इनको हमने पैसे दिए थे, आज भी हमारे नाम का ही खा रहे हैं। इनको शर्म भी नहीं आती है और फिर गालियां भी हमारे को देते हैं। दोस्तों, भारत जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, दुनिया झुक झुक के सलाम कर रही है, वो दिन दूर नहीं है जब हम पाकिस्तान को चीस देंगे, इसको चकनाचूर कर देंगे। आप बताइएगा, भारत को ऐसा करना चाहिए या नहीं? अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।